अब GTA ऑनलाइन में काफी सारे टाइप के बिजनेस है, लेकिन रिसेंटली ऐड हुआ बिजनेस जो कि है एसिड लैब वाला, उसके ऊपर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। सो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे इसको आपको अनलॉक करना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको कैसे इसमें प्रॉफिट करना है, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं आपको, तो वीडियो जरूर एंड तक देखना। अब शुरुआत करते हैं हम इसके अनलॉकिंग की। अब अगर आपको इसको अनलॉक करना है तो आपको फर्स्ट जो उसके 6 मिशंस करने पड़ेंगे। अब GTA ऑनलाइन की 2 DLCs आई थी, एक आई थी फर्स्ट डोज और फिर आई थी द लास्ट डोज। तो फर्स्ट डोज में जो है वो आपको एसिड लैब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आपको बस इस जो सदन सैलेंड्रिया जहाँ ड्राइवर का घर है वहाँ पे आपको 2 R दिखेंगे, ठीक है। तो आपको ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ ना, जहाँ पे वे पॉइंट लगा है ना, वो वाला R आपको उस वहाँ पे जाना है। जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे तो आपके फर्स्ट डोज के मिशंस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आपको सबसे पहले एक कटसीन दिखाया जाएगा एंड फिर उसके बाद आप फर्स्ट डोज के मिशन से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो ये फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स, इन टोटल ऐसे 6 डोजेज है, मतलब 6 मिशंस है, 6 डोजेज नहीं है, मतलब उसका नाम है वैसा। तो 6 मिशंस आपको करने पड़ेंगे एंड जैसे ही आपका लास्ट मिशन हो जाए उसके बाद आपको एक ट्रक अनलॉक हो जाएगा आपका, जो कि 6x6 ब्रिगेड बोला जाता है, वही आपका एसिड लैब का सारा धंधा संभालेगा। अब ये वाले मिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लाइक लास्ट वाले मिशन में थोड़ी सी आपको जो है वो दिक्कत हो सकती है, बट इस पे जो है वो आपको अराउंड 2 घंटे लग सकते हैं, लाइक 2 घंटे मैंने ज़्यादा बोल दिए, 1.5 घंटा मैं कहूँगा इनफ है इन सारे मिशंस को कंप्लीट करने के लिए। अब जैसे ही आपका फर्स्ट मिशन खत्म हुआ ना, तो फिर वो वापस से आर नहीं होगा, आपके मैप में एक नया डी बन जाएगा और डैक्स आपको मैसेज करेगा कि वेलकम टू द ट्रू पे। तो उस डी से आपके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, बाकी के जो 5 बचे हुए मिशन है ना, वो वहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो याद रखना डी आपके मैप में स्पॉन हो जाएगा इस लोकेशन पे, तो वहां से आप अपने जो बचे हुए मिशन है उनको कंटिन्यू कर सकते हो। अब इसका दो दूसरा जो पार्ट है द लास्ट डोज, वो करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ एसिड लैब सेटअप करना है तो आपको पहले फर्स्ट डोज के ये 6 मिशंस कंप्लीट करना जरूरी है। ओके, तो जैसे आपके 6 मिशंस कंप्लीट हो गए ना, तो मैप में आपको ये 3 नए कुछ ऐसे स्माइली टाइप जो है वो सिंबल्स आ जाएंगे, ये है एसिड लैब का इक्विपमेंट। अब किसी भी एक लोकेशन, कोई भी एक पकड़ लो आप, कोई भी एक लोकेशन पे चले जाओ, वहां पे क्या करना है आपको, कुछ गुंडे होंगे उनको मारना है, यहाँ पे एक फोर्कलिफ्ट होगी, यहाँ पे कुछ माल पड़ा हुआ होगा, क्रेट्स जो पड़े होंगे उनको फोर्कलिफ्ट से जो है वो उठाना है। अब बहुत सारे लोगों को फोर्कलिफ्ट जो है वो चलानी नहीं आती, तो कंट्रोल, लेफ्ट कंट्रोल और लेफ्ट शिफ्ट जो आपके कीबोर्ड पे है उससे ये अप एंड डाउन होती है, ठीक है। तो इसको माल को, इस वाले माल को उठाना है और यहाँ पे एक ट्रक पार्क्ड होगा, उस ट्रक के ऊपर इसको बस रख देना है। अब यहाँ पे इन टोटल 3 क्रेट्स होती है और ये आपका एज अ सेटअप मिशन काम करता है, ये आपके एसिड लैब का जो है वो एक सेटअप मिशन है, ठीक है। तो ये आपको माल जो है वो लेके आना है और अपने एसिड लैब में जो है वो डिलीवर करना पड़ेगा, जहाँ से आपने सारे डैक्स के मिशन किए थे वहाँ पे आपको इसको डिलीवर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा ये सब कुछ हो गया है। सो अब आप रेडी हो आपका एसिड लैब को अनलॉक करने के लिए। अब आपके एसिड लैब को जो है वो 750,000 की इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, $7,50,000 GTA डॉलर्स आपको लगने वाले हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। अब ये ट्रक से स्टार्ट होता है, लाइक ये 6x6 ब्रिगेड जो आप देख रहे हो, ये आपको लास्ट मिशन में मिल जाएगी जो आप मिशन करने वाले हो। यहाँ पे इस नंगे बंदे के पास आना है जिसपे टी शर्ट, इसका नाम मठ है, और यहाँ पे आपको इसको $7,50,000 देने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सेटअप योर एसिड लैब, और सारे जो इक्विपमेंट आप लेके आए थे उसको सेटअप करने के लिए ये बंदा आपसे 7.5 लाख की फीस ले लेता है एंड फिर उसके बाद यू आर गुड टू गो, आपका एसिड लैब का बिजनेस पूरी तरह से जो है वो सेट हो चुका है। बट अब इसमें आपको करने पड़ेंगे इक्विपमेंट अपग्रेड, जैसे कि दूसरे बिजनेसेस होते हैं, बंकर वाला बिजनेस हो गया, CEO वाला बिजनेस हो गया, MC बिजनेस हो गया, तो उसमें भी आपको इक्विपमेंट अपग्रेड्स मिलते हैं, राइट। तो इसमें भी आपको इक्विपमेंट अपग्रेड्स मिलेंगे। अब इसी जो ये ट्रक से, जैसे कि हमारा टेराबाइट हो गया, तो वहाँ से आप जो है वो काफ़ी सारे चीज़ें कर सकते हो, वैसे ही एसिड लैब का सारा सब कुछ जो है वो इस ट्रक से होगा। एंड जैसे ही आप पहली बार एंटर करोगे तो आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि भाई कैसे क्या चीज़ें होती हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको जो है वो फंडा सेम ही है, लाइक प्रोडक्ट्स आपको बाय करने हैं या फिर आपको सोर्स करने हैं
जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि आपको क्या एग्जैक्टली करना है। वही सप्लाईज वाला बार, प्रोडक्शन वाला बार, वही जो है वो पुराना फंडा जो कि सारे बिजनेस में होता है, वही यहाँ पे भी काम करता है, राइट। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वो उनको बता दूं कि दो बार्स होते हैं आपके पास, एक प्रोडक्ट वाला और एक सप्लाईज वाला। तो सप्लाईज आपको फुल रखने हैं, ठीक है। या तो आप सप्लाईज बाय कर सकते हो या फिर उनको सोर्स कर सकते हो। अब सप्लाईज बाय करने के लिए आप इस मठ के पास आ सकते हो। अगर आप एसिड लैब में हो तो आप उसको सीधा जो है वो बोल सकते हो कि 60,000 के भाई मुझे सप्लाईज दे। या फिर आप उसको, अगर आप एसिड लैब में नहीं हो, आप कहीं और हो, तो आप उसको सीधा फोन कर सकते हो एंड उसके बाद उसको बोल सकते हो कि भाई सप्लाईज मेरे लिए लेके आ, और आपके 60,000 चले जाएंगे, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इक्विपमेंट पे। अब मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आप इक्विपमेंट अपग्रेड से ही करना। अगर आप बिना इक्विपमेंट अपग्रेड्स के करोगे तो आपको मतलब बहुत ही कम प्रॉफिट होगा और ये आपको वर्थ इट बिल्कुल नहीं लगेगा। अब ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आगे। मैंने चार्ट वार्ट सब बना रखे हैं, मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या सारी ये चीजें होती है। लेकिन एक और चीज है जो कि आपको अगर इक्विपमेंट अपग्रेड, जैसे दूसरे बिजनेस में होता है आप पैसे देके जो है वो इक्विपमेंट्स खरीद सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपको इक्विपमेंट वाली जो अपग्रेड्स है वो पहले अनलॉक करनी पड़ेंगी एंड देन उसके बाद आपको फिल करना पड़ेगा, लाइक मतलब पैसे देके खरीदना पड़ेगा। अब इक्विपमेंट अपग्रेड करने के लिए वही उसी बंदे के पास आना है, वहां पे एसिड लैब का इक्विपमेंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्विपमेंट अपग्रेड इज लॉक्ड, तो इसको अनलॉक करने के लिए यहाँ पे सीधा बताया गया कि कॉल डैक्स एंड कंप्लीट 10 फुलेगन जॉब्स। अब डैक्स को कॉल करके आपको 10 मिशंस करने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो इक्विपमेंट अपग्रेड है वो अनलॉक हो जाएगा। अब ये करने में ना आपको कम से कम 6-7 घंटे तो इजीली लगने वाले हैं। अब आप बोलोगे भाई इतना ज्यादा टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि ये 10 ही तो मिशंस है, बैक टू बैक कर सकते हैं। बट इसमें एक कैच ये है कि भाई जैसे ही आप पहला मिशन खत्म करोगे ना, तो उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट मिशन करना है तो उसमें एक कूल डाउन है, और वो कूल डाउन छोटा नहीं है, लाइक रियल टाइम 48 मिनट्स है, लाइक रियल लाइफ के जो 48 मिनट्स होते हैं वो उसका कूल डाउन है। सो ये थोड़ा सा यार बहुत ज्यादा लगता है मुझे, बट आपको जो है वो अगर ये करना है, इस बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है, तो आपको ये सारी चीजें जो यार करनी ही होगी, नहीं तो यार ये बिजनेस आपको प्रॉफिट नहीं कमा के देगा। ये कोक लॉकअप से भी जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, मैं बताऊंगा आगे कैसे इससे जो है वो मतलब पूरी तरह से इसके जो नंबर्स है, नंबर अगर आप शार्क टाइम देते हो तो वहां पे नंबर्स का खेल होता है, तो यहाँ पे मैं आगे थोड़ा सा जो है वो नंबर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आपको 10 एमिशंस करने पड़ेंगे, 6-7 घंटे आप लगा लो कि भाई इजीली आपको लग जाएंगे। लाइक अगर आप कंटिन्यूस खेलते हो तो फिर यार आपको 4-5 घंटे लग सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इतनी देर गेम खेलो कंटिन्यूसली। सो आपको जो है वो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैंने फर्स्ट मिशन कंप्लीट किया तो नेक्स्ट मिशन जब मैं कंप्लीट करने गया तो यहाँ पे 48 मिनट्स का एक कूल डाउन लग गया है। सो ये इस पे कूल डाउन है, तो आप कुछ नहीं कर सकते यार, इसको आपको वेट ही करना पड़ेगा। या तो आप कायोक परी को कर लो या फिर कोई और हाइस्ट वगैरह जो है वो आप कर सकते हो। अब आते हैं रियल खेल पे। अब यहाँ पे मैं बताने वाला आपको कि अपग्रेड के साथ और बिना अपग्रेड के साथ ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, इसके नंबर्स क्या है, इसके आंकड़े क्या है, राइट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक सेल मिशन कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे, जो है वो मैंने अपग्रेड नहीं लिए थे, राइट। तो सारे बिजनेसेस में कैसे होता है, आपको एक सप्लाईज बार होता है जो कि 5 मिनी बार्स में डिवाइडेड होता है, तो आपको सप्लाईज जो है वो बाय करने पड़ते हैं। लाइक अगर आपके पास अपग्रेड्स हैं तो, ठीक है, अपग्रेड्स हैं तो, अगर नहीं है तो आपको सोर्स करना पड़ता है। ये मैंने सारे मेरे बिजनेस वाले वीडियोज में बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। अब एक सप्लाई बार पूरे मतलब उन 5 मिनी बार्स को आपको फिल करने के लिए चाहिए होंगे $60,000। अब दूसरे बिजनेस की बात करें तो वो $75,000 देते हैं, लेकिन यहाँ पे बिना अपग्रेड्स के आपकी फुल लैब की वैल्यू होगी 237,600 जो भी है, 2,37,600। और अगर आप सप्लाईज खरीदते हो जो कि 60,000 के, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा 1,92,000। तो अगर हम देखें कि कितना प्रॉफिट आप कमाते हो तो वो जाएगा $45,600। अब 2 लाख जो भी है 2,37,600, अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हो, लाइक फुल्ली आपका लैब फुल करना चाहते हो, तो जो सप्लाईज बाय बार आते हैं ना, वो 5 मिनी बार्स जो आते हैं ना, उनको आपको 3.5 बार कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि 5 बार्स पहले कंप्लीट करो, फिर 5 बार्स कंप्लीट करो, फिर 5 बार्स कंप्लीट करो, तो इस तरह से जो है वो आपको 3.2 टाइम्स जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आप उतना प्रॉफिट कमाओगे। जहां तक बात है अपग्रेड्स की, तो यहाँ पे पूरा खेल बदल जाता है। अब आपका वैल्यू जो है फुल लैब का जो वैल्यू है वो $335,200 होता है।
सप्लाईज अगर आप बाय करोगे तो 96,000 जो है वो बाय करना पड़ेगा आपको। अब ये 96,000 क्यों, वहां पे 1,92,000 क्यों, बिकॉज ये आपका डिफरेंस यही आता है कि भाई अपने अपग्रेड्स जब बाय करते हो ना तो आपको प्रोडक्शन और जो सप्लाईज का जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू विदाउट वाला, विदाउट अपग्रेड। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपग्रेड्स पहले अनलॉक करें फिर इस बिजनेस को स्टार्ट करें। तो जब आप अपग्रेड्स के साथ करते हो तो आपको 1.6 टाइम्स ही जो सप्लाई बार है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेन दिस प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा जो है वो डिफरेंस है और कितना ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर ये एसिड लैब कर सकता है। अब ये बात तो हो गई नंबर्स की, ठीक है, कि आपको इक्विपमेंट अपग्रेड जो है वो अनलॉक करके ही आपको ये बिजनेस करना है, ठीक है, चलो ये तो हो गया। बट एसिड लैब में एक और जो है वो बूस्ट प्रोडक्शन का ऑप्शन आता है आपके लैब में, जो है वो वहां पे जाके आप जो है वो प्रोडक्शन आपका बूस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको और भी ज्यादा फायदा होगा और भी ज्यादा जो है वो आप प्रोडक्शन आपका फास्ट होगा। और दिन में आप बस इसको एक ही बार बूस्ट कर सकते हो, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और जब आप ये सारी चीजों को करते हो विथ अपग्रेड, सप्लाईज काफी अच्छे हैं एंड आप जब प्रोडक्शन बूस्ट करते हो तो आपका जो प्रॉफिट है ना वो कोक लॉकअप से भी ज्यादा हो जाता है, जो कि सबसे बेस्ट बिजनेस था एसिड लैब से पहले। सो यही थी वीडियो, आई गेस गाइस कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई, कैसे इसको जो है वो सेटअप करना है, कैसे इसको अनलॉक करना है, कैसे इक्विपमेंट अपग्रेड्स अनलॉक करना है, कैसे आपको इससे प्रॉफिट बनाना है। तो यही सारी थी वीडियो। और जहाँ तक बात है जो सेल मिशन की, तो वो सोलो ही आप कर सकते हो, भले ही आपका कितना भी प्रॉफिट हो, आपको इस बाइक पे ही सारे मिशंस आपको करने हैं। मतलब कितना भी आपका प्रोडक्ट हो, ये बाइक पे ही आप जो है वो सारा प्रोडक्ट सेल करोगे, कोई ट्रक वक की झंझट नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ बाइक पे जाके 5 जगह पे जो है वो आपको प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर देने हैं। एंड आप पूरा बिजनेस जो है ये सोलो ही रन करता है एंड पूरा ये बिजनेस जो है वो पैसिव बिजनेस है। सो यार ये काफ़ी बढ़िया बिजनेस है, आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हो। कैसे आपको लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने ये चीज़ें की है। तो यही थी वीडियो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको ऐसी वीडियोस जो है वो मिलती रहे इन द फ्यूचर। मिलते हैं गाइज आपसे अगली वीडियो में।